हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विश यू बी ट्रिपल एट। गाइस, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं सही से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी, और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की जिंदगी में क्या अहमियत है मेरे व्यूअर्स की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, टू ऑफ वॉन्स, चैरियट। वर्ल्ड टावर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ओके। इस पर्सन की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, नहीं हाँ, आपकी क्या अहमियत इस पर्सन की जिंदगी में, राइट ओके। गाइस, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। ऐसा नजर आता है कि सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। ऐसा नजर आता है कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, जो भी इंसान है, अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, ये बहुत अलग इंसान मुझे आपसे नजर आते हैं। चैरियट कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों में सबसे पहली चीज तो डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये तो सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कास्ट डिफरेंस या फिर एज डिफरेंस या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हैं, ओके। इस पर्सन की अगर मैं बात करूं गाइस, तो मुझे ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्लियर बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे, आप पर चीट कर रहे हैं, ठीक है, फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आप पे पास्ट में चीट किया है। अहमियत क्या है इस पर्सन की लाइफ में आपकी, ठीक है, देखिए मुझे यहां पर ये एनर्जी नजर आती है कि इस पर्सन को आपकी जरूरत कब पड़ती है, ठीक है, मतलब इस पर्सन को आपकी जरूरत है, ठीक है। अहमियत का मतलब मैं यहां पर ये बता देती हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में आप जरूरी हो, मतलब इस पर्सन को जरूरत पड़ती है आपकी, ठीक है। और इसका कारण मैं ये बताती हूँ कि यहां पर इस पर्सन की लाइफ में इतना ज्यादा मैश है या फिर ये इतने ज्यादा अलग तरीके के इंसान है कि इनकी लाइफ में हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रिएट हो रखा होता है, ठीक है, और उसका कारण भी इस पर्सन की ही एनर्जीज है कि कुछ ना कुछ क्रिएट करके रखते हैं अपने आसपास, ठीक है, कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में हमेशा हुआ रहता है। बहुत कम ऐसी इस पर्सन ने अपनी लाइफ देखी होगी जहां पर इस पर्सन की लाइफ सुलझी हुई हो, ठीक है, इस पर्सन की लाइफ अक्सर करके उलझी हुई ही रहती है। एंड आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए हुए होंगे पास्ट में ही, तब भी इस पर्सन की लाइफ में आते ही आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा उलझन में रहते हैं या किसी ना किसी चीज की टेंशन ये हमेशा करते रहते हैं या फिर किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम की बात ये हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। यहां पर ये नजर आता है कि ये पर्सन जो भी हैं,
आपकी और इनकी एक एक मतलब आप दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ समय का साथ डेफिनेटली यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर टावर कार्ड इस चीज की भी बात करता है कि आपके कनेक्शन में इनकी जो भी चीजें हैं, जो भी ये अपने आसपास क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से आपके और इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा मैश क्रिएट होगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रिएट हुआ हो पास्ट में, ठीक है, या फिर क्रिएट अभी हो रखा हो, ठीक है, ये भी नजर आता है। इस पर्सन की लाइफ में आप इम्पोर्टेंट इसीलिए होगा इस क्योंकि इस पर्सन को आपकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा हुआ है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि रीडिंग बोल क्या रही है। रीडिंग ये कह रही है कि आपका पर्सन हर बार चीजों को खराब करता है और फिर आपका साथ चाहता है कि चलो दोनों मिलकर समेटेंगे, ठीक है, फिर सारी चीजों को अकेले जाकर खराब करता है, ठीक है, अपनी लाइफ में भी बिगाड़ता है, आपकी लाइफ में भी बिगाड़ता है, और फिर कहता है आओ वापस आओ हम दोनों मिलकर सही करेंगे, ठीक है। इसलिए इस पर्सन को आपकी जरूरत पड़ती है, ठीक, बहुत ही ज्यादा मुझे ये पर्सन ऐसे ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं कि इस पर्सन की जो ऊर्जा है वो काफी ज्यादा इमेच्योर है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि काफी मैच्योर इंसान हो लेकिन ये चीजें करते हैं। जैसे कुछ लोग मैच्योरिटी में आकर बहुत गलत चीजें करते हैं, कहने का मतलब है कि वो बहुत मैच्योर होते हैं, इतने मैच्योर होते हैं कि ओवर मैच्योरिटी दिखा देते हैं कई बार, ठीक है। बल्कि मुझे तो पेज की एनर्जी ये दिखाती है कि जब भी ये पर्सन डिसीजन लेते हैं या कोई काम करते हैं तब ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ऐसा ही काम करते हैं जो मैच क्रिएट करे, जो चीजों को बिगाड़े, ठीक है। ओके, यहां पर मुझे ये भी नजर आता है गाइस कि इस पर्सन को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी पड़ती है तब जब इस पर्सन को कोई डिसीजन लेना हो, तब ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में रहें, ठीक है, आप इस पर्सन को सपोर्ट करें। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कभी भी डिसीजन लेते वक्त आपकी हेल्प ली नहीं होगी क्योंकि कार्ड्स ये बता रहे हैं कि चीजें तो ये फिर भी खराब करते ही करते हैं, ठीक है। ओके, इस पर्सन ने आप पता नहीं समय कितने समय से इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं, बट मुझे ये नजर आता है कि बहुत बार इस पर्सन ने चीजें बिगाड़ी हैं और यहां पर ये नजर आता है कि आप दोनों ने मिलकर फिर सारी चीजों को ठीक किया हो सकता है, ठीक है, या फिर इनको जरूरत पड़ी हो सकती है आपकी सब कुछ ठीक करने के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बात कर रहा है गाइस कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे की बातों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या फिर आप नहीं करते तो ये पर्सन तो डेफिनेटली करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं ये बातों को, ठीक है, आपकी बातों को ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नजर आता है गाइस जैसे ये पर्सन बहुत उलझन वाली एनर्जी है ये, ठीक है, ठीक है, या कोई क्लैरिटी की एनर्जी है ही नहीं। मतलब ये कार्ड ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई इंसान है जो पहले से बहुत भरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा, और उसके दिमाग में उसके ही थॉट पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हैं, बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग हैं कि उनको भेद पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। मतलब अगर आप इस पर्सन को समझाने भी जाएंगे ना तो ये पर्सन कुछ समय के लिए कन्विंस होंगे और वापस ये उसी एनर्जी में चले जाएंगे, और ये आप अपने समझाएंगे अगर और आप इनको ये बोलेंगे कि ये डिसीजन सही नहीं है, ये डिसीजन सही है, ये ऐसा डिसीजन लो, तो ये आपकी बात से थोड़ी समय के लिए कन्विंस हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम ये वही करेंगे जो ये करना चाहते हैं, ठीक है, ये इंसान सुनेगा नहीं किसी की। एक तो मुझे यहां पर ये भी नजर आता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई साइकिल बन रही हो सकती है, इसीलिए पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स की बात कर रहा है कि पर्सन ने आपके साथ भागने की कोशिश की है, ठीक है, कनेक्शन में आने के बाद, और ये इसी तरीके से भाग जाते हैं एंड उसके बाद ये चीजों खराब करते हैं, उसके बाद मैंने कहा ना बिगाड़ देते हैं, उसके बाद आपसे बोलते हैं कि आइए साथ में मिलकर सब कुछ ठीक करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है। ओ माय गॉड, और देखती हूं मैं। हार्मनी, माइंड, ओ माय गॉड, कॉम्प्रोमाइज, अवेयरनेस। ओके, ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में आप हार्मनी लेकर आते हो, मतलब सुकून देते हो उस पर्सन को आप, ठीक है, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं। बट अगेन यहाँ पर माइंड का कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड बात कर रहा है कि जब कोई इतना भरा हुआ होगा ना, कोई इतना परेशान होगा तो ये रन करेगा, मैंने बोला तो अभी आपसे, ठीक है, आपसे सुकून लिया, आप इस पर्सन की लाइफ में इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो कि आपके पास सुकून बहुत मिलता है इस पर्सन को, ठीक है। देखिए मैं इस पर्सन की पूरी गलती नहीं बोलूंगी क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपनी इच्छाओं से या फिर अपनी सोच से बंधा हुआ इंसान है, ठीक है,
कई बार लाइफ में चीजों को इजी करने के लिए आपको अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके साथ जिंदगी ऐसे ही चीजें करेगी। आपको कितना भी कोई भी अच्छा मिल जाए, आप अपनी चीजों के साथ उसके साथ चीजें बिगाड़ेंगी बिगाड़ेंगी। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा गाइड करती हूँ कि जो चीजें भी आपकी लाइफ में अभी तक आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों ने मेरी लाइफ में बिगाड़ा है, उन सारी चीजों को अपने अंदर बदल लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने को नहीं बदलेंगे तो आपको कोई भी कितना भी अच्छा दिया जाए, आप उसके साथ चीजें बेकार ही क्रिएट करेंगे। अब ये माइंड कार्ड इसी चीज की बात करता है। ये कार्ड बात करता है कि कोई इंसान अपनी सोच में ऐसा बंधा हुआ है, ठीक है, कि उसकी लाइफ में चीजें आ रही हैं, फ्लो हो रही हैं, उसके पास हार्मनी है, उसके पास अच्छा पार्टनर है, लेकिन वो अपनी सोच के साथ चीजें करता है, अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, काम बिगाड़ता है, ठीक है। ये नजर आता है यहाँ पर माइंड कार्ड, ठीक है। और इसमें इस पर्सन की गलती नहीं है, क्योंकि ये पर्सन कोई भी चीज ऐसे नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेंशनली करते हो, लेकिन जिसका माइंड ऐसे भरा हुआ हो वो सटीक डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है, माइंड कार्ड जब भी आता है मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राहु से रूल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, भ्रमित रहना, इल्यूजन में रहना, जो भी जितने भी लोग ऐसे हैं जो राहु से रूल होते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रभाव है उसका आपकी लाइफ के ऊपर, तो आप मेडिटेशन करें, क्योंकि राहु सिर है अगर आपने देखा हो, ठीक है, और सर जो है वो कंट्रोल में आता है मेडिटेशन से। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपका दिमाग शांत रहेगा, उतने दिमाग में ये जो आपके चलता रहता है ना, और आपके पर्सन के, उतना क्लियर आपके पर्सन समझेंगे, मतलब क्लैरिटी आएगी। बेसिकली क्लैरिटी आती है मेडिटेशन से, ठीक है। आप खुद से जुड़ते हैं तो क्लैरिटी आती है, और जितने भी लोग राहु से रूल होते हैं स्पेशली उनको मेडिटेशन करना चाहिए, उनका दिमाग शांत होता है। आपका जो पर्सन है ये ऐसे ही नजर आते हैं, इसी वजह से मैंने कहा ना, ये चीजों को बिगाड़ने के बाद आपके पास आते हैं, ठीक है। और आपने इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हो सकता है बहुत बार, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आ रहा है। आप इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जब जब बिगड़ती हैं चीजें भागते हैं ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है, और ये आपसे भी भाग जाते हैं जब जब ये पर्सन का दिमाग भर जाता है। ओके, अवेयरनेस, इस पर्सन को अवेयरनेस की कमी हो सकती है, ठीक है, या फिर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी कमी है बट इस पर्सन को जरूरत है, ठीक है। ऐसी एनर्जी नजर आती है, बिल्कुल करंट की एनर्जी। अगर मैं बताऊं करंट की एनर्जी जो कार्ड दे रहे हैं उस हिसाब से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि वो दिमाग से इतने भरे हुए हैं कि वो आपकी तरफ आते हैं क्योंकि सुकून मिलता है, लेकिन यहां से जैसे ही आपने इस पर्सन के दिमाग में कुछ डालने की कोशिश की या आपसे रन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन का दिमाग भरा हुआ है, ठीक है, एक पूरा कंटेनर है जो ऑलरेडी फुल है, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ डालने जाएंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इस वजह से ये रन कर जाते हैं, ऐसा मुझे नजर आता है। हम ये देख रहे थे कि इस पर्सन की लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, माशाल्लाह ही रीडिंग निकल कर आई है, क्या ही मैं बोलूं इनको, मैं क्या ही बोलूं, इस पर्सन की गलती भी नहीं बोल सकते पूरी, क्योंकि क्या करे, ये इंसान ही ऐसा है, ठीक है, वो इंसान खुद भी परेशान रहता होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को मानसिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। ये पर्सन तन से दुखी नहीं हो सकते, ये धन से दुखी नहीं हो सकते, ऐसा लगता है कि मन से दुखी इंसान है, ठीक है, या फिर ये माइंड से कभी क्लियर नहीं रहते, तो ये मुझे कहते हैं मानसिक पीड़ा उसको झेलते होंगे, ऐसी एनर्जी फील होती है। आप इम्पोर्टेंट बहुत हो इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस पता नहीं पर्सन आपकी समझे हैं या नहीं, क्योंकि माइंड कार्ड है, जो जिसके दिमाग में पहले से बहुत कुछ भरा हो वो क्या ही कुछ समझ रहा हो यहाँ पे, समझ में नहीं आता मुझे। अवेयरनेस आना इस पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ओके, पता नहीं गाइज आपसे कितना रेजोनेट करेगी, पर रीडिंग में यही निकल कर आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।